बड़वानी जिले के प्रसिद्ध भिलट देव शिखर धाम मंदिर में जाने से भक्तों को रोका गया, सीमाएं सील की गई। मेले के पहले मंगलवार पर्व पर पहली बार सन्नाटा दिखाई दिया। क्षेत्र के प्रसिद्ध शिखर धाम मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु सैगावा होते हुए शिखर धाम जाते हैं, पर इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रशासन के सख्त निर्देशों भक्तों को नहीं दिखी भीड़। मंदिर में पुजारी राजेंद्र बाबा ने बताया कि प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख श्रद्धालु नाग पंचमी से लेकर आज मेले तक दर्शन हेतु शिखर धाम आते हैं, पर इस बार हमने भक्तों को मंदिर न आने की अपील की। बाबा के दर्शन के लिए SW24 न्यूज़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव की व्यवस्था रखी थी। साथ ही बाबा का विशेष पूजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदिर समिति द्वारा किया गया। आज कातारों के परिवार द्वारा 101 व्यंजनों का भोग लगाकर महाआरती की गई। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। नागपंचमी के बाद से जो मंगलवार आता है वह मुख्य दिवस होता है और इसमें यह समापन का दिवस होता है। इसमें बाबा जी की जो वंशानुगत कई पीढ़ियों से महाभोग लगाया जाता है, 64 दिए की आरती होती है, सायंकालीन यज्ञ होता है और यज्ञ के साथ ही इस मेले का समापन होता है। यह प्रसादी कई पीढ़ियों से गौली समाज एवं कुशवा समाज के बंधु गीले वस्त्रों में इसको निर्मित करते हैं और बाबा जी का विशेष भोग लगाया जाता है। वैसे आज सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त में जो भोग लगा है वो कातोरा गादी की ओर से 108 व्यंजनों का भोग लगा एवं 108 लीटर दूध से बाबा जी का अभिषेक किया गया है। कितने लोग आते हैं पाँच दिनों में? हम ये कहें कि 8 से 10 लाख श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन लाभ लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र बाबा भिलट देव, मुख्य पुजारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।